हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैनिस हेल्थ में। हर रोज की तरह से आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टिप लेकर जो आपकी ब्यूटी या सेहत से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे आलू सवरात्रा है, आपकी सेहत भी है, सूरत भी है। फ्रेंड्स, आलू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सब्जी है। आलू की खासियत है कि हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है। हालांकि आलू को इस गलत फहमी की वजह से इससे मोटापा बढ़ता है, लोग इसे खाने से कतराते हैं, लेकिन आलू के ज़बरदस्त फायदे के बारे में जानकर आप इसे रोजाना से ज़्यादा खाने में शामिल करेंगे। खाने में तो आलू स्वाद होता ही है, लेकिन इसके कई औषधीय और सौंदर्य गुण भी हैं। आइए हम जानते हैं फायदेमंद आलू। आलू की त्वचा हड्डी को मजबूत बनाते हैं। बना हुआ आलू खाने से पेट भी भर जाता है और आप दूसरी ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाने से बच जाते हैं। आलू को उबालकर या भूनकर खाया जाता है, इसलिए इसको पौष्टिक तत्व आसानी से पच जाते हैं। आइए हम आपको आलू के गुणों के बारे में बताते हैं। आलू के गुण: चोट लगने पर आलू का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी चोट लगने के बाद त्वचा नीली पड़ जाती है। नीले पड़े जगह पर कच्चा आलू पीसकर लगाने का फायदा होता है। झुर्रियों के बचाव से आलू बहुत फायदेमंद होता है। झुर्रियों पर कच्चे आलू का पीसकर लगाने से झुर्रियां समाप्त होती हैं। त्वचा की इलायची या फिर त्वचा रंग होने का आलू का प्रयोग करना चाहिए। कच्चे आलू का रस लगाने से त्वचा रोग में फायदा होता है। अगर अंतड़ियों में सड़ाव आ रही है तो भरे हुए आलू का उपयोग करना चाहिए। इससे पेट की कब्ज और अंतड़ियों की सड़ाद दूर होती है। अम्पित होने पर आलू का प्रयोग करना चाहिए। अम्पित के बचाव के लिए आलू को सेक कर इसका छिलका निकालकर नमक और मिर्च के साथ खाने का फायदा होता है। गुर्दे की पथरी होने पर आलू का प्रयोग करना चाहिए। पथरी के रोगी को केवल आलू खिलाकर और बार बार अधिक पानी पिलाकर पथरी को निकाला जा सकता है। आलू का गोला काट कर आंखों पर रखने से आंखों की आसपास की झुर्रियां समाप्त होती हैं। चेहरे की रंगत के लिए आलू बहुत फायदेमंद है। आलू को पीसकर त्वचा पर लगाने से रंग गोरा हो जाता है। आलू के रस को शहद में मिलाकर पिलाने से बच्चे को विकास अच्छे से होता है। तो जैसे कि आज आपने जाना कि कैसे आलू के फायदे हमारी त्वचा पर निखार लाते हैं। आगे और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब